ठंड भरी रात में चला मुशायरे का दौर, देश विदेश के ख्यात शायरों ने पेश किए एक से बढ़कर एक कलाम। देर रात तक बंधा रहा समा, लोगों ने लिया सर्द मौसम में शायरी का मजा। ठगी का एक और मामला आया सामने, ट्रेवल संचालक ने विदेश यात्रा के नाम पर यात्रियों को लगाया लाखों का चूना, यात्रियों ने ली पुलिस की शरण। और कपड़ा बाजार के लिए मिला जुला रहा वर्ष 2012, महंगाई का रहा असर, कपड़ा व्यवसायी ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, वहीं 12 वर्ष बाद अध्यक्ष पद के लिए आई मतदान की नौबत। यूपीए सरकार हमेशा खेलों को बढ़ावा देती रही है, यही वजह है कि देश के कई खिलाड़ी विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं, यह कहना है फिल्म अभिनेता और सांसद राजबब्बर का। राजबब्बर मालवा खेल अवार्ड समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर के वर्ल्ड इन मोशन के राष्ट्रीय ओलंपिक की औपचारिक शुरुआत शनिवार को आईजी ने की। दिल्ली कॉलेज में होने वाले स्पर्धा में 13 शहरों की 33 टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को अमेरिका में होने वाले विश्व ओलंपिक में शिरकत करने का मौका मिलेगा। लखुड़िया थाना क्षेत्र में चोरों ने रिटायर सेल टैक्स अधिकारी के सूने घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर को उस वक्त निशाना बनाया जब पूरा परिवार शादी समारोह में शहर से बाहर गया हुआ था। हाईकोर्ट में शुक्रवार को दिन भर चले एक नाटकीय घटनाक्रम में न्यायालय की फटकार के बाद एसपी को कोर्ट आकर पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत को रासुका के तहत गिरफ्तार करना पड़ा। कलेक्टर द्वारा रासुका आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने पर पार्षद कादरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। घटनाक्रम की शुरुआत सुबह हुई जब सुनवाई के लिए याचिका डबल बेंच पहुंची, वहां से याचिका सिंगल बेंच गई, वहां से सुनवाई के बाद एसपी को तलब किया गया और अदालत एसपी का एक घंटे तक इंतजार करती रही। शुक्रवार रात सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में दो दुकानों में आग लग गई, दुकान में करीब 1 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सिगरेट पीने से रोकना दो भाइयों को भारी पड़ गया। दरअसल घर के बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे युवकों को दोनों भाइयों का मना करना नागवारा गुजरा और लड़कों ने दो भाइयों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। केवी पटेल गुजराती विद्यालय में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। निपानिया कांकड़ में देर रात तेज ठंड पड़ने के कारण 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फुटपाथ पर रात गुजारने वाले युवक का नाम प्रकाश था और उसने शराब का नशा कर रखा था। जीरो टॉलरेंस जोन में बीते 3 दिनों से सुस्त पड़ी यातायात विभाग की कार्रवाई में शनिवार को गति दिखाई दी। जवाहर मार्ग और एमजी रोड के कई प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिसकर्मी और अफसर व्यवस्था संभालते दिखाई दिए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी हुई, वहीं गाड़ियों से काली फिल्म भी उतारी गई। बावजूद इसके इक्का दुक्का जगह पर वाहन चालक नियमों का उल्लंघन भी करते दिखाई दिए। किशनपुरा स्थित प्राचीन मल्हारी मातण अखाड़े का 15 लाख की लागत से जीर्णोद्धार और नव निर्माण किया जाएगा। इसी तरह रामबाग मुक्तिधाम पर महिलाओं के लिए सुविधा घर और बीएसएफ में मंदिर कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा। यह कार्य सांसद निधि और निगम के सहयोग से होंगे। सभी विकास कार्यों का शुभारंभ शनिवार को सांसद सुमित्रा महाजन और महापौर कृष्ण कुमारी मोघे ने किया।